हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी स्लीव्स डिज़ाइन। तो इसके लिए मैंने यहाँ 8.5 इंच की लेंथ लिया है और यहाँ से हमने मार्जिन भी ले लिया है। अब हम इसे कटिंग करेंगे। तो यहाँ से सीधा लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से, फिर हमें इसे कटिंग करना है। यहाँ से कट हो गया। अब इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से रहेगा और इसे हमें फैब्रिक के ऊपर रखनी है इस तरीके से, और नीचे साइड से पहले हम स्टिच करेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ से हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। इधर स्टिच हो गया। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके बाहर करेंगे और यहाँ कट कट का निशान लगाएंगे। और फिर यहाँ से हम इसे फोल्ड कर देते हैं इस तरीके से, पलटेंगे। पलटने के बाद देखिए, यहाँ से कॉर्नर को हम स्टिच कर लगा लेंगे। स्टिच लग गया। अब यहाँ भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग करेंगे। तो यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो गया। अब इसका लुक कुछ इस तरीके से रहेगा। अब इसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक को मैंने साड़ी में से लिया है, कट किया है। तो सेंटर है उसको हमने कट लगा लिया। कट लगाने के बाद यहाँ से हम तिरछी कपड़े को रखेंगे, फिर फोल्ड करते जाएंगे। और सही से इधर भी हम फोल्ड करते जाएंगे। तो यहाँ से लॉक कर लेते हैं। लॉक हो गया, इधर भी हम लॉक कर लेते हैं। तो दोनों तरफ से मैंने लॉक किया। अब हम फैब्रिक जो कट किए थे, हाँ, इसी को हम यहाँ अटैच करेंगे। तो इस तरीके से जमाते हुए स्टिच लगानी है। और इसे हम डबल सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। और स्लीव से हमने पेपर में कट किया है उसी को हम ऊपर रखेंगे, फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग करेंगे। जी, और इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। और अंदर की ओर इसका फैब्रिक है उसको भी हम कट करके बाहर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसका पट्टी दिया हुआ है तो पट्टी को भी हम अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ से पट्टी अटैच कर दिया। तो इसका लिप कुछ इस तरीके से रहेगा। अब साइड से हम कटिंग लगाएंगे हाफ इंच। तो ये सबसे पहले देखिए स्टिच कर लेनी है, फिर कटिंग करनी है। अब डायरेक्ट कटिंग करोगे तो इसका जो स्टिच किए हैं वो निकल जाएगा। और इस तरीके से सेंटर पे रखते हुए
फिर फिटिंग लगानी है। फिर इसका लुक कुछ इस तरीके से रहेगा। और यहाँ हम स्टोन बटन भी अटैच कर लेंगे इस तरीके से, और फिर इसे फिटिंग लगा लेते हैं। चलो इसे फिटिंग लगा दें। तब तक आप हमारे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और नए नए डिजाइन देखने को मिले। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पर अपना जितना मेजरमेंट है आप उतना लीजिएगा, फिर इसे फिटिंग लगाना है। इधर भी हम उसी तरीके से फिटिंग लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने फिट किया। अब यहाँ देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक है, मैंने एक्स्ट्रा ही कट किया था, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके हम बाहर करेंगे। और यहाँ से फोल्ड करना है, फोल्ड करने के बाद इसे यहाँ स्टिच लगानी है। अब देखिए यहाँ से फोल्ड करोगे तब की सिलाई की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी लगेगी। और इस तरीके से मैंने वीडियो बना के कम्प्लीट कर लिया है, इसलिए सब बन के तैयार हो गया है आप देख सकते हो। और यहाँ देखिए टसल्स भी बनाया है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर